करो तुम हरा भाई का शूट। चलते हैं अभी नमाज पढ़ने के लिए इंशाल्लाह, फिर आके बात करते हैं। पूरा दिन अपना है और नमाज का टाइम जा रहा है, तो चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आप लोगों को मैं ना जो नमाज पढ़ने आए मेरे लोग, तो ग्राउंड में दरियाँ बिछाई हुई है, तो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर नज़र आया, पर कोई देख नहीं ले क्योंकि बहुत रश है। बुरी बात है यार, अच्छा नहीं लगता। वो देखो सारे लोग आए हुए, ये माना जा रहा है हमारा। ऐसे ही रह जाऊंगा, जगह ही नहीं मिलेगी मुझे, तो बस जल्दी से जाता हूँ। 2 hours later अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली, अभी अभी नमाज पढ़ कर रहा, दोस्तों से मिल भी लिया, और मतलब मैं ऐसे ऐसे करूँ गले वाले मिल लिया दोस्तों वस्ते से। और उसके बाद यार असल में मैं अपना फ़ोन इसके लिए लेके गया क्योंकि हमारे जो मुफ्ती साहब है वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, मतलब उनको वीडियोस वगैरह से इतनी सख्त नफरत है ना, इतना बोलते वो इस बारे में कि वीडियोस नहीं बनाओ, पिक्चर्स नहीं बनाओ। तो मैंने बोला कि मैं जलील नहीं हो जाऊँ, और उल्टा उन्होंने बयान में बोला कि आप वीडियोस बनाते रहते हो, मैंने अक्सर देखा है। खैर वो तो उनको लोग बताते हैं ना, वो ख़ुद तो नहीं देखते ना, उनको लोग बताते कि यार ऐसे ऐसे वीडियोज़ बना रहे लोग। तो खैर बात यही है कि जब उन्होंने मना किया तो नहीं बनानी चाहिए यार, जब बड़े मना करते तो फिर, और फिर मुफ्ती साहब तो उनका एक अलग ही लेवल होता है। और बाकी बुला रहे मुझे नाश्ते के लिए, तो चलते हैं मज़े से नाश्ता वाश्ता करते। चाचा नीचे बैठे हुए, चाचा वगैरह से भी मिल लिया मैं। स्टार्ट है, क्या करो क्या, चलो थोड़ा सा चल के, थोड़ा सा चल के आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ चल के, चलो एक ही साथ आगे आओ। सारी वीडियो खराब कर दिया तुम लोगों ने यार। हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा थक गए, बस पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे, और रात में नींद भी सही से नहीं की थी तो नींद भी आ रही है। बाकी पिक्चर्स वगैरह हो गई, इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी, और अभी एक थोड़ी सी कोई ऐसी कोई वीडियो वगैरह बना दे टिकटॉक के लिए, बहुत टाइम हो गया टिकटॉक पे कोई अच्छी वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो अभी वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर एक इस लोकेशन पे, और ये देखा थोड़ा सा ना इस तरफ ले लेंगे, और एक अच्छी सी ट्राई करते कि एक अच्छी सी वीडियो बन जाए। हम लोगों ने ना सलवार कमीज़ में तो ड्रेसिंग मतलब एक ही तरह, दोनों का सेम ही कलर है, पर जूतों में इसके साथ प्रैंक हो गया था। बस मुझे ये वाले मिल गए थे, मैंने बोला ये पहनने में इजी है ना, और इसे ये वाले मिल गए जो क्या कहते हैं पीछे से पैक है फुल। बड़ी रो रहा था, कहता है नहीं मुझे ये वाले जूते चाहिए, पर बेचारे को मिले नहीं। तो खैर यार अभी वीडियो बनाते हैं क्योंकि बहुत नींद आ रही है, उसके बाद डायरेक्ट सोने जाएंगे। 2 hours later तो भाई लोग पिक्चर्स और वीडियोस बना के इतना थक गया हूँ ना कि क्या बताऊँ। तो बस अभी ये सीन है कि जा रहा हूँ ज़रा बाइक निकाल के ज़रा राउंड मार रहा हूँ ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए यार, अभी अभी सो के उठा हूँ, और ऊपर से पिक्चर्स और वीडियोज़ इतनी ज़्यादा बनाई है तो उनमें कुछ सिलेक्ट की है, और हाँ एडिटिंग वगैरह करनी थी तो वो सब अभी लगा हुआ हूँ। आराम आराम से इंशाल्लाह 2-3 ईद के 3 दिन होते हैं ना, तीनों दिन में किसी दिन भी अपलोड कर देंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है पहले दिन करना है यार, ऐसे नहीं बोला करो कि पहले दिन करना, नहीं तो फिर यार दिमाग ख़राब हो जाता है, नहीं होता पहले दिन इतना सब यार, मेहमान सारे आ जाते हैं। थोड़ा 1-5 निकाल रहा हूँ, बम बम बम, और सीधा जा रहा हूँ थोड़ा माइंड फ्रेश करने, यहाँ आए ना ज़रा सी साइड जाके एक राउंड मार के आते अच्छा सा। चलते ये इनके साथ में आया हूँ, इनके साथ ज़रा बाहर आया हूँ, तो बस देखते हैं थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ईद तो इसी तरह गुजरेगी, बाकी तो ईद में कुछ रखा नहीं है। ऐसे कोई शपाटर लोग हैं मैं ना, यहाँ से सारे हॉर्न कोई मारते हुए जा रहे, किसी ने बाइक का साइलेंसर फाड़ा हुआ है। हम लोग खुद भी बाइक पे आए हैं ना, चलो आ जाओ बस चलते। हाँ ये बाइक है ना, जंगल के अंदर रास्ता बना हुआ है, जंगल निकले तो वाओ। समंदर पे रश दिखाता हूँ, इतना रश लगा हुआ है ना समंदर पे, ये देखो भाई, और यहाँ नहीं खाली, वो दूर तक रश लगा हुआ है, बाइकें वाइकें सारी अंदर आई हुई है भाई, ये सारे मेरे बॉडी गार्ड है।
अभी हमने सोचा चाचा की थोड़ी सी कमाई हो जाए इसलिए चाचा से थोड़ा कटाकट वगैरह ले रहे हैं। ये हम बचपन में बहुत खाते थे यार। हम जा रहे हैं घर क्योंकि शाम होने वाली है, सूरज बस ढल गया है तकरीबन और बस और भी जाने वाला है। ओके बाय बाय, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस। ये इमरान ये क्या किया तूने? ओके गाइस, तो सीन बन गया और दोस्त आ रहे और अभी हम जा रहे बाहर थोड़ा खाना वाना खाने। तो चलते आपको आज हम विजिट करवा, इसका विजिट नहीं करवा रहे, लाइट ऑन कर। यह है मेरा ब्यूटीफुल सा रूम, असल में ये ना सच में ब्यूटीफुल है, पर असल में मैंने इसकी रेड मार दी, वरना देखो यार माशाल्लाह से कैसा ब्यूटीफुल है, कैसा वहाँ भी सामान, वहाँ भी वहाँ बैग पड़ा है। पढ़ाई वाला बच्चा हूँ मैं, हर टाइम पढ़ता रहता हूँ, बैग पड़ा हुआ है और ये कपड़े हैं मेरे सारे माशाल्लाह। और अभी मैं कुछ पैसे उठा लेता हूँ, मेरे पास तो कोई ईद ही नहीं जमा हुई, कोई ईद ही नहीं देता फ़ायदा, तो मेरे पास खैर ज़्यादा नहीं दिखाने चाहिए, नज़र लग जाती है। तो अच्छा, मैंने जितने पैसे उठाने थे वो मैंने उठा लिए और बस अभी मैं जाऊँगा, दोस्त नीचे वेट कर रहे, चलते हैं मजीद बहार होटल, खाना वाना खाते उसके बाद देखते हैं। A few moments later. तूने उठा क्यों लिया यार? यार ये बीफ है, मैं मुझे लगा तू उठा लेगा। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू।